और दुश्मन क्या करता है, दुश्मन की पूरी कोशिश होती है जैसे ही मजलिस मातम मुहर्रम शुरू हो कोई ना कोई चीजें चलाए। तो आंखें खोल के बासीरत होकर ये मुहर्रम गुजारिएगा। दुश्मन पूरी प्लानिंग में लगा हुआ है, अभी चंद दिनों में कोई प्रोपेगेंडा आएगा, किसी मौलाना की वीडियो आएगी, किसी नोआ खान का नोहा आएगा जो आपको लगेगा गाने की तर्ज पे है, किसी जाकिर की कोई बात आएगी, और फिर होगा क्या, हम उस वीडियो को फैलाते रहेंगे, देखो ये क्या किया। घर में उजड़ी हुई माँ अपने बेटे के लाशे को लेकर बैठी हुई है और हम लोग वीडियो को फॉरवर्ड करते रहेंगे। मुहर्रम गुजर जाएगा, मेरा आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ा तो उनका जिनका घर उजड़ा है। तो हम खुदा के लिए अजीजाने मोहतरम, दुश्मन चाहता ही हमारे दरमियान में इख्तलाफ हो, आपस में लड़े, अंजुमने लड़े, मातम वाले लड़े, मौलाना लड़े, जाकिर लड़े, नोआ खान के अंदर इख्तलाफ हो, ये दुश्मन है। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो आप दरगुजर कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई चीज बन गई निकल के जाने दीजिए, खत्म। ना सुने भाई, ना सुने आप, क्यों सुनते हैं, और ना सुने छोड़ दें, और चीज सुन ले। हम खुद फॉरवर्ड करते हैं, बनाता कोई, याद रखिएगा, बनाता दुश्मन है, भेजता आपके मेरे पास है, हम लोग मजे लेते हैं। फिर भी बसीरत का मुजाहरा करें, अहद करें अपने आप से कि हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मैसेज, कोई चीज फॉरवर्ड नहीं करेंगे इस मुहर्रम के अंदर जो हमारे तशय्यों में इख्तलाफ का बाइस बन रही हो। अगर कोई मामला है तो हम बाद में मुहर्रम के बाद देख लेंगे, अगर कोई चीज गलत किसी ने की है, खूब साहिबान उलमा हैं, बड़े बुजुर्गान हैं, बात कर सकते हैं कि किबला आपने ये बात मुनासिब नहीं की। हम आपसे कहते हैं, हर आदमी मुश्तहद ना बने, हर आदमी फतवे ना दे, हर आदमी खड़ा हो जाता है, हम तहफ्फुज़ आज़ादारी वाले, ये कह भाई आप कौन है तहफ्फुज़ वाले, सब जो बच्चे बैठे हैं अच्छी तरह जानते हैं, सब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं सोशल मीडिया पे, फॉलोशिप को बढ़ाने के लिए, रेटिंग को एनहेंस करने के लिए, सस्ती शोहरत। क्या फायदा ऐसी शोहरत का, अगर मशहूर होना है तो फिर उस आलम में मशहूर हो जहां पर हर वक्त जिक्र इलाही हो रहा है।